शॉपिंग के बाद अब हम आपको बताते हैं एक बेहतरीन हॉलिडे डेस्टिनेशन के बारे में। ये वो जगह है जहां ग्रेट गैम्बलर ने दो लफ्जों में अपनी प्रेम कहानी बयां की। जी हां, हम आपको कराएंगे सैर वेनिस की। पानी पर तैरता एक खूबसूरत शहर, पुराने आर्किटेक्चर में तराशे चैपल्स और दूर हवा में गूंजता संगीत, सुनने में जितना रोमांटिक लगता है, घूमने में उससे भी कहीं ज्यादा है। अगर आपके पास वक्त है, फुर्सत है और बजट की कोई परवाह नहीं, तो इन गर्मियों वेनिस बन सकता है एक आइडियल समर गेटअवे। वेनिस इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सिटीज इन द वर्ल्ड। इट इज एन आर्टिस्ट्स पैराडाइज, हनीमूनर्स पैराडाइज। वेनिस का एक बेसिक पैकेज आपको मिलेगा 3 रात और 4 दिन का, जिसके लिए एक 3-स्टार होटल में आपको खर्च करने होंगे करीब 35,000 रुपए प्रति व्यक्ति, जबकि 5-स्टार का पैकेज पड़ेगा करीब 50,000 रुपए का। आप चाहे तो अपने बजट के मुताबिक इसमें रोम और मिलान डेस्टिनेशंस जोड़ सकते हैं। अगर लंबी छुट्टी मनाने के मूड में है तो 10 दिन का क्रूज पैकेज भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए करीब 85,000 रुपए प्रति व्यक्ति और रख कर चलिए। वेनिस से आप जो क्रूज लेंगे, वो जो पूरा मेडिटेरेनियन कोस्ट है, वहाँ पर ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं। आप उन आइलैंड्स पे जाओगे, आप क्रोएशिया जाओगे। वेनिस के नज़ारों का मजा लेने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक शेंजन वीजा। बेहतर होगा कि वीजा मिलने के बाद ही अपनी बाकी बुकिंग्स करें। आल इटालिया, इमिरेट्स या लुफ्तांसा, वेनिस के लिए एयरलाइंस की कोई कमी नहीं। एक रिटर्न टिकट के दाम है लगभग 30,000 रुपए। वेनिस पहुंचने के बाद आप जेटी हायर कर सकते हैं या फिर पानी पर तैरते पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो जैसे उंगलियां हैं, उंगली में यहाँ पर होटल्स हैं, तो आप बाय बोट, हर होटल की जेटी है, आप उस जेटी पे जाके सीधा होटल में एंटर कर सकते हैं, तो वही काफ़ी रोमांचक है। वेनिस के कल्चर को करीब से जानने समझने के लिए रुख कीजिए मशहूर सेंट मार्क स्क्वायर का या ग्लास फैक्ट्री के गाइडेड टूर का मजा उठाइए। इस शहर में आकर आप कहाँ घूमने जाएं, ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं, आप खुद ब खुद यहाँ की गलियों में खो जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।